डियर स्टूडेंट, हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप सभी का स्वागत है केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में। और मैं हूँ भरत कुमार और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बी फर्स्ट ईयर के लेसन को। तो ध्यान दें कि ये जो लेसन है वो 6th लेसन है। अब इसमें आपको ध्यान रखना कि इससे पहले इसी लेसन के वीडियो हैं वो बने हैं, तो आप इस वीडियो को समझने से पहले इसके जो पहले पार्ट हैं, ठीक है ना, आज ये 4th पार्ट है इसका, तो इससे पहले के जो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जैसे हुआ है लेसन, तो उसमें हम किन किन को पढ़ना था, कौन से विचारक थे, उन्होंने अपने राज्य के बारे में क्या वर्गीकरण दिया है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को समझ सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है राज्यों का वर्गीकरण, जिसको हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से समझ रहे थे। तो जैसे हमें लास्ट जो वीडियो, इससे पहला वीडियो था, ठीक है ना, तो उसमें हमें जो विद्वान हैं जिन्होंने परंपरागत रूप में राज्य के वर्गीकरण के बारे में अपने वर्गीकरण को दीप समझा है, अपने सामने रखा है उनके विचार, तो हमने वो दृष्टिकोण देखा है परंपरागत, ठीक है ना, यानी परंपरागत दृष्टिकोण से राज्य का वर्गीकरण है, राज्य के प्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो हमने वो समझे हैं। तो मैं आज आधुनिक वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, या मैं आपको ये एक तरह से रिवाइंड करवा दूँ कि कौन कौन से विचारक हैं जो परंपरागत जो विचार है या परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य के वर्गीकरण की धारणा है वो प्रस्तुत की है या प्रकार बताएं। तो सबसे पहले 6th लेसन में ही, यानी राज्य का वर्गीकरण में जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो है अरस्तु का राज्यों के संदर्भ में वर्गीकरण, यानी अरस्तु ने किस प्रकार से या कितने प्रकार बताए हैं राज्यों के, तो वो हमने समझा था। और ये ध्यान रखना है कि अरस्तु ने उस समय ग्रीक काल के समय की बात करें तो उस समय उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था, तो उस समय का ये उनका सबसे सर्वप्रथम प्रयास था वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है ना। और इसके बाद के बहुत से विद्वानों ने उन्हीं को फॉलो करते हुए, यानी उनके ही जो बताए हुए राज्य के वर्गीकरण को आधार माना है और अपना एक वर्गीकरण उन्होंने दिया है। तो नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था ब्लच्ली का वर्गीकरण, प्लेटो के सॉरी रूसो का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इसी तरह पढ़ते पढ़ते जस्ट इससे जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था लिकोक ने राज्य के क्या वर्गीकरण दिया, यानी किस तरह का वर्गीकरण दिया है, यानी लिकोक के अनुसार राज्य के प्रकार, तो वो हमने पढ़ा है जस्ट इससे पहले वाला वीडियो में। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्यों का वर्गीकरण, जो परंपरागत दृष्टिकोण तो पूर्ण हो गया है, और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, कि राज्य के वर्गीकरण को हम देखते हुए कि आज के समय में, यानी वर्तमान की अगर बात करें, तो विद्वानों ने राज्य के किस आधार पे क्या प्रकार बताए हैं, यानी क्या रूप हो सकते हैं राज्य के, कितने रूप हो सकते हैं, किस तरह के प्रकार हैं उनके। तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, हम कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो आधुनिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो वर्तमान में विद्वानों के जो विचार हैं वो वर्तमान की व्यवस्थाओं से मेल खाते हैं या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले की बात करें अरस्तु के समय, तो उस समय राज्यों के प्रकार अलग थे, उनका स्वरूप अलग था, और वर्तमान की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेज आ गया है उनके स्वरूप के, या हम उसकी बात करें। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आधुनिक वर्गीकरण को हम देख रहे हैं, तो वर्तमान समय में राज्यों के प्रकारों की संख्या बहुत अलग अलग, हम कह सकते हैं कि 10-15 या अलग अलग और अलग प्रकार हो सकते हैं, कि राज्य के स्वरूप अब अलग अलग है, ठीक है ना। तो इनके रूप इतने मिश्रित भी हैं, यानी ये नहीं कह सकते फिक्स कि ये वर्गीकरण कह सकते हैं कि ये एकात्मक व्यवस्था है या ये संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है कि जो पहले हम मानते थे कि ये वर्गीकरण का अलग रूप है, यानी ये एक अलग प्रकार है राज्य का, ये एक अलग प्रकार है, तो वर्तमान में क्या है, ये इनका मिश्रित रूप भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि जो वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है तो कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ हैं, कोई किसी भी विद्वान ने दिया है उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ जरूर रही हैं। फिर भी निम्न प्रकार का वर्गीकरण हम करेंगे आधुनिक वर्गीकरण के तहत। तो आपको ध्यान रखना है जो हम वर्गीकरण के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आज के समय में क्या है कि बहुत से अलग अलग जो राज्य हैं कुछ अपना खुद का धर्म मानते हैं, तो वो एक तरह से धार्मिक राज्य कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका एक अलग स्वरूप हो गया। और कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य में बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी वह किसी धर्म विशेष को अपना राज्य धर्म नहीं बनाएंगे, तो वो टाइप हो गया धर्मनिरपेक्ष वाले राज्य, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धर्म के आधार पे राज्य का वर्गीकरण कैसे होता है। एक तो है धर्माचार्य प्रकृति का, ठीक है ना, और दूसरा
ठीक है ना। हम यहाँ पे ये धर्म के आधार पे कह सकते हैं कि अब इसको अलग अलग पढ़ रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसे राज्य, ठीक है ना, जो एक धार्मिक आधार पे स्थापित हुए हैं तो एक धर्माचारी राज्य होंगे, और जिनको या जिसके राज्य में धर्म विशेष को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यानी बहुत सारे धर्म हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं सुना है, तो वो इस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये दो रूप होते हैं अपने यहाँ पे जो देखे हैं। इसके बाद हम एक दूसरी यहाँ पे बात करें कि निरंकुशता के आधार पे बात करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में निरंकुश राज्य की बात करें तो इसके आधार पे भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। राज्य की प्रकारों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आधुनिक परिदृष्टि में, यानी दृष्टिकोण में, तो आपको याद ध्यान रखना है निरंकुश राज्यों का जो वर्गीकरण है वो एक तरह से क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, एक तो होगा राजतंत्र, एक तो होगा राजतंत्र, और एक जो स्वरूप हम यहाँ पे वर्तमान में देखते हैं वो है अधिनायक, अधिनायक तंत्र, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये निरंकुश राज्य के वर्तमान दृष्टि, यानी वर्तमान में राज्य के स्वरूप किस किस टाइप के हो सकते हैं, यानी क्या प्रकार है राज्य के, ठीक है ना, उनके स्वरूप। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि निरंकुश राज्य का ऐसा शासक, राज्य के अंदर जो शासन करने वाले जो प्रमुख होता है, ठीक है ना, उसकी निरंकुशता के तौर पर हम यहाँ पे दो प्रकार देख रहे हैं। एक तो राजतंत्र वाला राज्य होगा, ठीक है ना, और दूसरा अधिनायक तंत्र, ये राज्य का यहाँ पे फैक्टर हम अलग अलग देख रहे हैं। तो वे राज्य जिनमें शासक वंशानुक्रम, यानी वंश जैसे कह सकते हैं कि फादर के बाद उसका पुत्र ही उसका राज्य शासन संभालेगा, तो ये वंशानुक्रम है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो राज्य गठित होता है वो होगा वंशानुक्रम के आधार पर, ठीक है ना। जैसे पहले के जितने भी राज्य हुए, राजा महाराजों की जैसे हमें चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि राजा का पुत्र ही दूसरा राजा बनता था, तो इस तरह से वंशानुक्रम के आधार पे राजतंत्र हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। अब इसमें इसको अगर आधुनिक दृष्टिकोण में देखें तो आपको ध्यान रखना है कि वे जिसमें शासक निर्वाचन या सैनिक विप्लव के कारण स्वरूप जो उसका स्वरूप है वो पर्दारूढ़ होते हैं। तो अब एक तो ये आप समझ गए कि राजतंत्र क्या है, दूसरा ये अधिनायक तंत्र को हम कैसे समझेंगे। वर्तमान में राज्य का एक प्रकार और है अधिनायक तंत्र। तो जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखें तो परवेज मुशर्रफ को एक एग्जांपल ही समझ लेते हैं। तो उन्होंने वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि जिस उस समय लोकतंत्र था और लोकतंत्र की व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वप्रमुख माना गया है उस राज्य का, लेकिन उन वो सैनिक प्रधान, मतलब उनका सैनिक के तौर पे एक प्रमुख पद था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिक बल पर उस राज्य यानी पाकिस्तान की सत्ता को हथिया लिया, ठीक है ना, और फिर वह उनका सैनिक स्वरूप, तानाशाही स्वरूप है वो वहाँ पे स्थापित हुआ। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ की जो स्थापित तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया, और अपने सैनिकी बल पर वहाँ पे उन्होंने उस राज्य के व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, राज करने लगे। तो ये क्या कहलाएगा, अधिनायक तंत्र, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह का समझना है कि जो विद्यमान मतलब विधिवत जो व्यवस्था थी उसको हत्या कर सैनिकी आधार पर, ठीक है ना, सैनिकी स्वरूप के आधार पर अपने वश में कर लेना, अपने अधिकार में कर लेना, और अपनी शासन या अपने अनुसार उस राज्य की व्यवस्थाओं को चलाना, तो ये कहलाता है अधिनायक तंत्र, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। तो ये व्यवस्थाएं वर्तमान में हमने देखी, यानी ये ऐसे स्वरूप है जो राज्य के हमने आधुनिक समय में ज़्यादातर देखे हैं। निरंकुश राज्यों के वर्गीकरण की समस्या है यही पर समाप्त ये होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि निरंकुश के अंदर एक तो होता राजतंत्र, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा वंशानुक्रम, दूसरा है निरंकुशता, ठीक है ना। तो इसके आधार पे अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है, जो सैनिकी शासन, यहाँ पे प्रमुख क्या होता है, सैनिकी शासन भी कह सकते हैं,
या सैनिक प्रधान शासन, ठीक है ना। तो अपने सैनिक की बल पर कोई सेना में सर्वोच्च पद पर होता है और अब वो क्या करेगा कि अपने ही देश के जो प्रमुख है या शासन के जो प्रमुख है उसको या उसको हटाकर सैनिक की बल पर उस राज्य का प्रधान बन जाता है। तो वो एक उसकी प्रभाव के कारण है पूरी व्यवस्था को अपने अधीन में ले लेता है, अधिनायक तंत्र की व्यवस्था वहाँ कायम होती है। तो आगे देखिए, अब हम ये देखा है निरंकुशता के आधार पर, अब वर्तमान में ये देखेंगे, यानी अब ये देख हमें पढ़ना है कि वास्तविक तौर पे जो राज्य के स्वरूप है वो वर्तमान में कैसे कैसे राज्य हैं, नहीं क्या क्या प्रकार हैं उनके, किस प्रकार पे वो राज्य की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे जो आपको पांच प्रकार बताऊंगा राज्यों के आधार के आधार, यानी किस आधार पे वर्तमान में राज्य के स्वरूप है, राज्य के प्रकार बने हैं, यानी राज्य के अलग अलग प्रकार हैं, तो वो वर्तमान दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पांच आधार यहाँ पे हम समझेंगे और उसी आधार पे वर्तमान में हम जो भी राज्य देखते हैं वो बने हैं, स्थापित हुए, गठित हुए, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है। पहला, एक तरह से हम जनतंत्र कह सकते हैं, ठीक है ना, या इसको और बेहतर समझें जनता का प्रतिनिधि, ठीक है ना, या प्रतिनिधि जो, या फिर यह कह सकते हैं कि प्रतिनिधि जो होता है तो ये देखिए वे लोकतंत्र, हम पांच आधार में पहले जो आधार हैं इस आधार पे कैसे राज्य बने हैं वर्तमान में जो हम देखते हैं अलग अलग, तो पहले आधार को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था लोकतंत्र में ही संभव होती है। वे लोकतंत्र जिनमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में भाग लेती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जिनमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक तो वो जनता खुद ही उस शासन की प्रमुख होती है, ठीक है ना, तो वो तो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसी आधार पर कि जनता क्या करती है, स्वयं अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर किसी को चुनती है, वह उनका प्रतिनिधित्व करेगा वहाँ पे, अपने कह सकते हैं कि राज्य के अंदर जो व्यवस्था है सरकार की, तो उसमें उसका एक व्यक्ति वहाँ पे भेजा जाएगा, तो क्या कहलाएगा, प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। तो यानी जैसे मैं ही मान लूँ या हम बहुत सारे मान लें, तो हम एक तरह से पीपल हो गए, यानी राज्य की जनता है, तो एक तो मैं क्या कहूँगा, खुद ही अपने राज्य की व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप में डायरेक्टली भागीदारी निभाऊंगा, ठीक है ना। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशुद्ध रूप पाया जाता है, ठीक है ना, यानी प्रत्यक्ष जनता के द्वारा शासन व्यवस्थाओं का संचालन होना। दूसरा कि हम जैसे बहुत सारे लोग और हमारे द्वारा ही किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के तौर पर सरकार में भेजा जाता है और वह हमारा प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पर शासन व्यवस्था में, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा था कि आधुनिक परिदृष्टिकोण में हम जो राज्य के अलग अलग प्रकार हुए उसको पांच आधारों पे पढ़ रहे, तो पहला आधार हो गया जनता का प्रतिनिधित्व, यानी जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पे दो तरह की व्यवस्था या दो तरह के राज्य होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला राज्य, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला राज्य, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दूसरा आधार, ठीक है ना, जिसके आधार पर वर्तमान में राज्य के स्वरूप हैं स्थापित है, तो दूसरे आधार पे राज्य के होते हैं वो देखिए, शासक का चुनाव, यानी वर्तमान में जितने भी राज्य के प्रकार हैं, ठीक है ना, अलग अलग बहुत सारे विभिन्न प्रकार हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिनकी दो अलग अलग राज्य होते हैं, उनका मिश्रित रूप भी पाया जाता है, तो वर्तमान में जो राज्य के गठित हुए हैं उनमें
दूसरे प्रकार की हम बात करें तो इनके आधार पर भी अलग अलग वर्तमान में ही ऐसे राज्य हम मिलेंगे देखने को मिलेंगे जो शासक के चुनाव के आधार पर या इसको आधार मान के राज्य की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर देखना है इस आधार पर वे लोकतंत्र, ठीक है ना, इस आधार पर वे लोकतंत्र जिनमें राज्य का प्रधान वंशानुक्रम होता है लेकिन व्यवहार में समस्त शक्तियों का प्रयोग लोकतंत्रीय मंत्रियों की सलाह से ही करता है वैधानिक राजतंत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पे फैलाता हुआ वैधानिक दूसरा हम जैसे अलग अलग बात करें कि इस आधार पर किस तरह के राज्य हैं वो हम देखने को मिलते हैं या उसके प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखना है वैधानिक राजतंत्र और दूसरा है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रधान यानी जो शासक है जो उस राज्य का उसके चुनाव के आधार पर यानी वो किस तरह की व्यवस्था के आधार पर राज्य का प्रमुख बनता है उस आधार पर भी राज्य के अलग अलग होते हैं। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, ठीक है ना, तो इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र है, ठीक है ना, इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र है लेकिन वहाँ पे राजतंत्र का ये मतलब है कि उसको एक औपचारिक माना गया है, उसके बाद उस राज्य का कह सकते हैं राजतंत्र का जो प्रमुख होगा वो भी वंशानुक्रम के आधार पर ही होगा, ठीक है ना, यानी उसके वंश से ही वहाँ पे उस जैसे इंग्लैंड की अभी जैसे साम्राज्य है वो महारानी है जैसे उसका वंशज ही उसका उत्तराधिकारी होगा, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तविक जो कार्य शासन व्यवस्था वो जो चलाई जा रही है वो उस राज्य की यानी ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की मंत्रिपरिषद यानी पीएम और मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाई जा रही है। तो इस तरह से शासक के चुनाव को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए भी राज्य के स्वरूप हो रहा है वैधानिक लोकतंत्र, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बस ये ध्यान रखना है इंग्लैंड में ये इस तरह का रूप है वो पाया जाता है, ठीक है ना। राज प्रमुख तो इंग्लैंड की महारानी है लेकिन वास्तविक कार्य है वहाँ के मंत्रिपरिषदों का या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वो वास्तविक कार्यपालिका उनके द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे शासक का चुनाव है वो किस तरह का हो गया वंशानुगत, वंशानुगत हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो जो स्वरूप है वो वैधानिक लोकतंत्र माना जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वे लोकतंत्र जिसमें राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा पद ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं गणतंत्र। चुनाव के आधार पे, ठीक है ना, एक तो ये बताएं कि इसमें क्या है कि वंश चुनाव के आधार पे यहां पे लिख देते हैं तो चुनाव के आधार पे राज्य का जो प्रमुख होता है वंशानुगत के रूप में राज्य का जो प्रमुख रहेगा तब तो वहां पे वैधानिक लोकतंत्र होगा जो इंग्लैंड एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ग्रुप में। दूसरा है गणतंत्र यानी जो राज्य का जो प्रमुख नागरिक सर्वप्रथम कहते हैं ना जो प्रथम नागरिक होता है तो उस प्रथम नागरिक का चुनाव होता है, क्या होता है चुनाव होता है वो यानी जो राज्य का जो प्रधान है जैसे यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी, इसी तरह अगर यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी का क्या है वंशानुगत क्रम है यानी कह सकते हैं कि इसमें शासन का जो प्रमुख है वो वंश क्रम से चलता है, इसके बाद उसका वंशज है वो प्रमुख उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन दूसरा हम चुनाव का रूप देखें तो एक क्या होता है गणतंत्र, तो गणतंत्र की जैसे बात करें तो ये भारत की व्यवस्था है वो इसी एक एग्जांपल के तौर पे आती है क्योंकि भारत का जो प्रमुख जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति है तो उस राष्ट्रपति का क्या होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्या होता है ठीक है ना। और ये व्यवस्था बेहतर एग्जांपल हम समझ सकते हैं भारत का गणतंत्र, ठीक है ना, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत की भारत एक तरह से गणतंत्र व्यवस्था वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है जो शासन का प्रमुख पदाधिकारी होता है उसका चुनाव को बेस यानी आधार माने तो दो तरह के राज्य की स्थापना होती है, दो तरह के राज्य के प्रकार होते हैं वैधानिक लोकतंत्र जो इंग्लैंड बेहतर समझ सकते हैं एग्जांपल के रूप में, गणतंत्र और दूसरा है गणतंत्र यानी जो राज्य का जो प्रधान पुरुष है उसका भी अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन होता है जनता के माध्यम से, तो बेहतर एग्जाम्पल है भारत, ठीक है ना, ये दो हो गए। अब तीसरा यहाँ पे देखिए
हम पांच आधारों को पढ़ रहे हैं। तीसरा हम बात करें कि वर्तमान में जो राज्य के जो स्वरूप यानी प्रकार हैं उसको आधार, तो तीसरा एक आधार है जिसके आधार पर भी वर्तमान में अलग अलग राज्य के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। कार्यपालिका, एवं व्यवस्थापिका का संबंध, ठीक है ना। तो इस आधार पे वर्तमान में दो अलग अलग राज्य स्थापित होते हैं, यानी उनके दो अलग प्रकार हम देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वे लोकतंत्र जिनके अंतर्गत व्यवस्थापिका, ठीक है ना, और कार्यपालिका, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वहाँ पर यानी उस इस तरह की जो व्यवस्था होगी वहाँ पे जो राज्य हम देखते हैं वो राज्य कहलाएगा संसदात्मक, ठीक है ना। तो इस आधार पर भी दो तरह के राज्य हो रहे हैं संबंध के आधार पर, एक तो होगा संसदात्मक, ठीक है ना, और दूसरा होगा अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। तो ये यहां पे ध्यान रखना है कार्यपालिका तो संसदात्मक व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व के रूप में काम करती है, ठीक है ना। हम बात करें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध की संबंध के आधार पर दो तरह के राज्य के प्रकार हम देखते हैं वर्तमान में, वो दो तरह के प्रकार यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो पहला है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के उत्तरदायित्व में काम करेगी, तो वो राज्य का जो प्रकार होगा वो संसदात्मक राज्य होगा। और दूसरा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन दोनों ही क्या है, स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे। दोनों एक तरह से किसी के ऊपर ऐसे नहीं कि वो उसके उत्तरदायित्व के रूप में काम करेगी, वो इसकी जिम्मेदारी लेगी, नहीं। दोनों ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र और समकक्ष, दोनों का कह सकते हैं कि न तो कार्यपालिका ऊपर होगी और न ही व्यवस्थापिका, दोनों का एक तरह से समान आधार होगा, ठीक है ना। दोनों का महत्व बराबर होगा, दोनों स्वतंत्र रूप में काम करेगी, तो वो व्यवस्था, वो राज्य होगा अध्यक्षात्मक राज्य, ठीक है ना। स्वतंत्र कार्य यानी दोनों का स्वतंत्र रूप होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अधिशात्मक व्यवस्था वहाँ होगी जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों स्वतंत्र रूप में काम करेगी और समकक्ष रूप में काम करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा ये देखा है वर्तमान में कि राज्य के आधार पर, तो तीसरा आधार क्या है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आधार पर भी दो तरह के राज्य या दो तरह के प्रकार होते हैं, संसदात्मक अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चौथा जो हम आधार है वर्तमान के राज्य के जो रूप देख रहे हैं, तो चौथे आधार पर भी यहाँ पे राज्य के अलग प्रकार होंगे। राज्य की इकाइयों का, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है राज्य की इकाइयों का केंद्र के तो यहाँ पे वर्तमान में जो राज्य के प्रकार देखते हैं उसका एक आधार ये भी है कि राज्य की जो इकाइयाँ हैं और केंद्र, इनके संबंध के आधार पे भी राज्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो देखना है इस आधार पे लोकतंत्र, और ये व्यवस्था लोकतंत्र में ही पाई जाती है, जो हम बात करें कि आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण करें, तो आपको ध्यान रखना है
कि आधुनिक वर्गीकरण में जो लोकप्रिय शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही है, और लोकतंत्र के आधार पर ही हम ये देख रहे हैं राज्यों के प्रकार। तो इस आधार पर वे लोकतंत्र जिसमें राज शक्ति पूर्णतया केंद्र में केंद्रित होती है एकात्मक लोकतंत्र कहलाते हैं, तथा वे लोकतंत्र जिनमें राज शक्ति का केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में विभाजन होता है संघात्मक लोकतंत्र कहलाएगा। तो इस तरह से इन केंद्र और राज्य, जो राज्य की इकाई है, इन दोनों के संबंध के आधार पर दो तरह के राज्य बनते हैं। एक तो होगा एकात्मक, ठीक है ना, एकात्मक स्वरूप वाला राज्य, ठीक है ना, और दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एकात्मक और संघात्मक। यहाँ पे एकात्मक आपको समझना है कि एकात्मक उसका गुण होगा उस राज्य का। तो अब इसको और भी बेहतर तरह से आज समझना है, ये दोनों व्यवस्थाएं लोकतंत्र की तरह हुई होती है। तो देखिए अब यहाँ पे ये समझना है कि एकात्मक लोकतंत्र वाला राज्य क्या है, यानी किस पत्र का हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य की जो संप्रभु यानी जो शक्ति होती है राज्य चलाने के लिए, जो पावर होता है, अगर वो पूरा का पूरा पावर केंद्र के पास रहे, यानी राज्य की जो शक्ति है वो केंद्र के पास केंद्रित हो, ठीक है ना, जो पावर है, पावर ऑफ हाउस स्टेट, यानी राज्य का जो शक्ति संचालन, राज्य का चलाने का जो पावर है वो अगर केंद्र के पास ही हो, यानी शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और पूरी की पूरी शक्ति केंद्रित के रूप में क्या होती है, केंद्र के पास, तब तो वो राज्य का कौन सा स्वरूप होगा, एकात्मक लोकतंत्र, यानी एकात्मक राज्य होगा, ठीक है ना। और दूसरा ध्यान रखना है कि राज्य और केंद्र के संबंध की ही बात करें, इसी के आधार पर दूसरा जो प्रकार होगा राज्य का वो ये होगा कि जो राज्य की जो शक्ति होती है वह केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होगी, ठीक है ना, यानी केंद्र और राज्य दोनों के पास राज्य को चलाने का अधिकार होगा, यानी दोनों के पास पावर होगी। तो इस आधार पे संघात्मक लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह का राज्य हम समझे कि इसके आधार या इसी आधार पे कैसा, यानी कौन सा राज्य है, हम एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें कि भाई संघात्मक, ठीक है सर ने बता दिया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है ना, बराबर के इक्वल माने, तब वहाँ पे संघात्मक लोकतंत्र होगा, यानी संघात्मक लोकतंत्र वाला राज्य होगा। तो इसका वर्तमान में कौन सा राज्य है, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है, यानी अमेरिका का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक लोकतंत्र है, यानी उसका आधार या कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वह एक तरह से केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच में हमारा जो दो तरह के पार्ट देख रहे हैं, तो दूसरे पार्ट वाला राज्य है, ठीक है ना, यानी संघात्मक लोकतंत्र। और एकात्मक लोकतंत्र की बात करें तो ये इसका एग्जांपल यहाँ पे इंग्लैंड को भी समझ सकते हैं, और भारत में, भारत को यहाँ पे किस कैटेगरी में लें, यानी केंद्र राज्य के संबंध इकाइयों की बात करें तो भारत एकात्मक लोकतंत्र वाला राज्य है या संघात्मक लोकतंत्र वाला, तो आपको ध्यान रखना है, आपने भारत की संविधान की विशेषताएँ पढ़ी होगी तो लिखा होगा अर्ध संघात्मक, यानी एक तरह से दोनों का मिश्रित रूप है। क्यों, तो ये समझना है कि भारत में जो शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है, यानी केंद्र को राज्य के जो राज्य हैं उनसे ज़्यादा पावर है, ठीक है ना, राज्यों के पास भी शक्ति है लेकिन केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है, तो इस तरह से अर्धसंघ वाला हो गया। जबकि इसमें क्या था कि केंद्र ही सर्वशक्ति होगा, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही बराबर शक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरह के केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर दो तरह के राज्य स्थापित हो रहे, यानी दो तरह के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आधुनिक वर्गीकरण में चौथा के चौथे आधार पर राज्य के प्रकार कौन कौन से हैं जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण यानी आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण देखें, जैसे हमने देखा था कि परंपरागत राज्यों का परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक, तो आधुनिक वर्गीकरण में हम राज्यों के
एक आधार देख रहे हैं कि इस आधार पर राज्य के वर्गीकरण राज्य के प्रकार हुए हैं। तो पांचवा जो आधार है, राज्यों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था, इसी के आधार पे राज्य के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो यहाँ पे समझना है। इस आधार पर जिन राज्यों में उत्पादन, ठीक है ना, जो उत्पादन के साधन होता है, जहाँ से अर्निंग अर्थव्यवस्था उस पर ज़्यादा निर्भर है, तो उत्पादन के साधन हैं उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो, वो पूंजीवादी लोकतंत्र होगा, ठीक है ना। इसके आधार पर भी दो तरह के राज्य स्थापित होते हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र, ठीक है ना, और दूसरा जिसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन के साधनों पर सभी का हक होता है सामूहिक रूप में, तो इस तरह से वहां पे दूसरा होगा समाजवादी लोकतंत्र। और इसमें तीसरा पार्ट भी है, ठीक है ना, यानी तीसरा प्रकार है कि तीसरा भी एक राज्य का प्रकार यहाँ पे समझ रहे हैं, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य, ठीक है ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपना पांचवा कह सकते हैं कि आधार, कि वर्तमान में राज्य के जो प्रकार हैं बहुत से अलग अलग प्रकार हैं, तो उन प्रकारों को हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण में, तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पे राज्य के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो वो पांच आधारों पर बने हैं उनके प्रकार। तो पाँचवा क्या है, राज्यों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक जो पावर है वो किन के पास है, ठीक है ना, वर्तमान में यही है कि इकोनॉमिकल पावर अगर जिसके पास ज़्यादा है तो वह उस जो सरकार है वो क्या करेगी, एक केंद्रीकृत रूप में घूमेगी उसके आसपास। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि किसी देश में आर्थिक व्यवस्था है उसका पूंजी का जो ज़्यादातर, यानी जहाँ से उत्पादन होता है, ठीक है ना, जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो जहाँ से फोकस है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है तो कुछ एक व्यक्ति वो ज़्यादा पूंजीशील होंगे, तो वो राज्य कौन सा होगा, पूंजीवादी लोकतंत्र, ठीक है ना। जैसे एक जैसे कंफर्म एग्जांपल के तौर पर फिर भी देखें, जैसे सऊदी अरब देखें, जो तेल के कुएं वाले जो देश हैं सऊदी अरब के, इस तरह की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि कुछ एक जो व्यक्ति है वह उस देश की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है ना, यानी वहाँ का जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उनका लगभग 70-80% तो कुछ लोग हैं उनके पास ये इकोनॉमिक पावर होता है। तो इस तरह से वो एक तरह से पूंजीवादी लोग हो गए, कुछ एक व्यक्ति, और उनके आसपास ही सरकार घूमती है वही प्रमुख है पूंजीशील के रूप में, तो वह राज्य कौन सा होगा, पूंजीवादी लोकतंत्र। नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है आर्थिक व्यवस्था के आधार पर राज्य का प्रकार, समाजवादी लोकतंत्र, इसका मतलब राज्य में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के जो साधन हैं उन पर सामूहिक कह सकते हैं सभी का बराबर हक होता है, ठीक है ना, सभी का उस पर हक होता है राज्य के जो उत्पादन साधन है उन पर, तो इस तरह से सभी लाभान्वित होंगे, तो वहाँ पर राज्य का जो स्वरूप हमें देखने को मिलेगा वह है समाजवादी लोकतंत्र। तीसरा है कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखें तो कुछ पूंजीशील व्यक्ति भी होते हैं जिन पर या जिनके हाथ में उत्पादन के साधनों का ज़्यादा नियंत्रण होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो उत्पादन के साधनों पर जनता का भी हित होता है, यानी इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतंत्र, ये तीसरा पार्ट होगा। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में परंपरागत वर्गीकरण बताया था राज्यों का, और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन से राज्य हो सकते हैं प्रकार उनके, या राज्यों के प्रकार, तो आधुनिक दृष्टिकोण में मैंने पांच आधार पे राज्य के वर्गीकरण बताए हैं, राज्य के प्रकार बताए हैं। तो ये जो इस 6 लेसन का लास्ट वीडियो है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना है, और जिससे पहले के जो जितने भी पार्ट इसी लेसन के वो आपको समझना है, ताकि ये लास्ट पार्ट बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपनी क्लास एंड होती है, तो इससे
संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है ना, कि कोई भी हो सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राज्यों के प्रकार हैं या फिर आधुनिक दृष्टिकोण में, तो इनके बीच में कोई कंफ्यूजन होने की संभावना रहे तो आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से पहले इसे पिछले वाला जो वीडियो था हमने पढ़ा उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो हो सकता है कि पिछले में बहुत अच्छे से पढ़ाया हो इसलिए मैंने यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन दिया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्लास अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए और ध्यान रखना है। थैंक यू।